सेक्शन 171 बी आईपीसी पढ़ेंगे इस वीडियो में। 171 बी क्या कहता है? ब्राइबरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइजिंग इलेक्टोरल राइट। अब इलेक्टोरल राइट क्या होता है, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्या कि चार पिलर्स होते हैं। पहला इलेक्टोरल राइट मींस द राइट टू स्टैंड इन एन इलेक्शन, द राइट टू विड्रॉ इन एन इलेक्शन, द राइट टू पार्टिसिपेट एज अ वोटर, कैंडिडेट की तरह खड़ा होना या खुद को विड्रॉ करना। ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं 171 ए के अंदर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग। तो आगे बढ़ते हैं और ब्राइबरी का मीनिंग पढ़ते हैं। ब्राइबरी आप देखो, फिर से कॉमन सेंस की बात करते हैं हम यहाँ पर। आप देखो, ब्राइबरी में ब्राइब देना भी गलत होता है, देना एंड लेना बोथ इज क्रिमिनल ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और किसी भी अदर एक्ट। इफ यू आर गिविंग और टेकिंग ब्राइब, बोथ आर क्रिमिनल ऑफेंस। सेम इज एप्लीकेबल टू इलेक्शंस आल्सो वाया सेक्शन 171 बी। अब व्हाट डज 171 बी सेज? 171 बी डिवाइड्स ब्राइबरी इनटू टू कैटेगरीज, गिविंग ग्रेटिफिकेशन एंड एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन। दैट इज आप किसी को ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल राइट या एक्सेप्ट कर रहे हो। इसकी मीनिंग है गिविंग ग्रेटिफिकेशन एंड एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन की। तो पहले हम मीनिंग समझते हैं, गिविंग ग्रेटिफिकेशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ गिविंग ग्रेटिफिकेशन, इट मींस पर्सन हु ऑफर्स और अग्रीज टू गिव और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर अ ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब हो गया जो भी कुछ, लेट से पैसे, एक ग्रेटिफिकेशन हो गया। मैं कहूं आप मुझे वोट दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, 500 रुपए, तो वो क्या होगा? एक तरीके का ग्रेटिफिकेशन है कि आप मुझे वोट दे रहे हो, मैं वोट के बदले आपको पैसा दे रहा हूं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ गिविंग ग्रेटिफिकेशन कि पर्सन हु ऑफर्स और अग्रीज टू गिव, जो ऑफर कर रहा है या इवन अटेम्प्ट टू प्रोक्योर अ ग्रेटिफिकेशन। अब एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? ठीक उसका उल्टा करो, पर्सन हु ऑब्टेन सच ग्रेटिफिकेशन और अग्रीज टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन। कितनी कितनी सारी कैटेगरी होगी? पहला जो दे रहा है, दूसरा जो अटेम्प्ट टू प्रोक्योर कर रहा है। मान लो मैं खड़ा हो रहा हूं इलेक्शन में, मेरे ढेर सारे चेले चपाटे, मैंने उनको बोलो जाओ पैसा बांटो ताकि लोग मुझे वोट करें। तो जो मेरे चेले चपाटे हैं, वो जो पैसा एक्चुअली दे रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे, हु ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर। और वो ऑफर्स और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन क्या हो गया? मान लो कोई एक, अब एजेंट है, वो एजेंट आके किसी कैंडिडेट को कहता है कि आप मुझे इतने पैसे दो, मैं औरों को मनाऊंगा और आपको इलेक्शन में जितवाऊंगा, आपके वोट के लिए पैसे दिलवाऊंगा। तो वो एजेंट क्या कर रहा है? इज ऑब्टेनिंग, अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन अ ग्रेटिफिकेशन। इस मीनिंग के साथ अब आते हैं ब्राइबरी में। गिविंग ग्रेटिफिकेशन दैट हु गिव्स ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हिम और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी पॉलिटिकल राइट। देखो, अब इसमें दो कंसिडरेशन कवर होती है, फ्यूचर कंसिडरेशन और पास्ट कंसिडरेशन। मैं अगर किसी को ग्रेटिफिकेशन दे रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट से दे रहा हूँ ताकि मैं उसको इंड्यूस करूं ताकि वो मुझे वोट करे, अपने इलेक्टोरल राइट को एक्सरसाइज करे। इलेक्टोरल राइट कौन सा? वही चार इलेक्टोरल राइट जो हमने 171 ए के लिए पढ़ा था। सिर्फ ये वोट देने तक नहीं है, मैं अगर किसी कैंडिडेट को पैसे दूं और कहूं कि आप खड़े ही मत हो इलेक्शन में, वो भी ब्राइबरी है। अगर मैं दे रहा हूं तो गिविंग ग्रेटिफिकेशन के अंदर आऊंगा, और अगर मैं एज अ कैंडिडेट ब्राइब लेके खड़ा ना हो रहा हूं, वो एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन के अंदर आएगा। तो और पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन मतलब इसका मतलब हो गया कि अगर आपने मुझे वोट किया है, किसी जो मर्जी किसी को भी वोट किया हो, वो तो बैलेट के अंदर ईवीएम्स में पता किसी को लगता नहीं। अगर मैं तब भी मान लो आकर मैं किसी कैंडिडेट को कह रहा हूँ हाँ मैंने आपको वोट किया है और वो मुझे इस बात पे पैसा दे रहा है, तो वो पास्ट कंसिडरेशन के अंदर आ जाएगा। क्या? ऑफ रिवॉर्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज्ड एनी सच राइट।
सिमिलरली एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन, ये आ जाएगा ब्राइबरी के अंदर। ब्राइबरी की पनिशमेंट क्या होती है 171E के अंदर, पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी 1 year और विद फाइन और विद बोथ। ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शैल बी पनिश्ड विद फाइन ओनली, 171E है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। आपने जनरली यही सुना होगा, आई रिमेम्बर एज इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस टू, जब हम छोटे होते थे इन द ईयर आई बिलीव ड्यूरिंग क्लास 8th or 9th एंड वी हैड अ क्रिकेट टीम, तो हमने बड़े क्लोजली से देखा है इलेक्शंस के टाइम लोग पॉलिटिकल पार्टीज आते थे और जो हमारे उम्र दराज प्लेयर्स होते थे, हर स्मॉल टाउन में ये होता है, आप देखोगे एक टीम होती है, उस टीम में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनके साथ कुछ 21, 22, 25 ऐसे इयर्स के लोग भी आकर खेलने लगते हैं साथ में। तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते थे और उनको ले जाते थे ट्रीट देने के लिए ताकि उनको वोट करें, तो हम लोग तो एलिजिबल होते नहीं थे वोट करने के लिए, सो वी यूज्ड टू मिस ऑल द ट्रीट्स। बट लेटर व्हेन आई स्टडीड लॉ, आई व्हेन आई रिकॉल इट, आई अंडरस्टैंड हाउ इट वाज पनिशेबल अंडर 171E, दैट इज ट्रीटिंग ऑफ ब्राइबरी शैल बी पनिश्ड विद फाइन ओनली।